Hello, welcome you all to the channel Why, What and How. So again we are going to continue with how to learn cursive handwriting. This is our lesson 5th. My request is पिछले सारे videos को आप ध्यान से देखिएगा because we are moving step by step. Okay, so let's get started. मैं उन्हीं letters को आपको बता रही हूँ जिनके strokes similar हैं. तो आज भी हम कुछ लेटर्स कवर करेंगे जो कि सिमिलर स्ट्रोक से बने हुए हैं. ओके, ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद यू, स्मॉल यू. सो थर्ड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे. ये है हमारा फर्स्ट कर्व. ओके, देन फ्रॉम हियर हम नीचे आएंगे इस तरीके से, विल गो बैक अगेन यहाँ पे, और फिर इस लाइन से हम वापस, हमने ये टेल बना दी. ओके, सो ऑलरेडी सी हमने ये सारे स्ट्रोक्स के बारे में बात करी हुई है लेसन 1 में. तो जिन्होंने लेसन 1 लेसन 2 नहीं देखा है, प्लीज़ सारे लेसन्स को चेकआउट करिए. इट विल बी हेल्पफुल, आपके लिए ईजी होगा सारे लेटर्स को सीखने के लिए. तो अगेन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. दिस इज़ द फर्स्ट कर्व, सेकेंड नीचे, देन अगेन ऊपर जाएंगे कर्व के साथ, और ये. ऑल राइट, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ध्यान रखिए, इनिशियली जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय आप अपने पेन को या सॉरी पेंसिल को, क्योंकि हम जब भी राइटिंग शुरू करते हैं तो हमेशा बच्चों को पेंसिल ही देनी चाहिए, राइट? तो इनिशियली जो स्ट्रोक बनेंगे आप उसमें पेंसिल अपनी लिफ्ट कर सकते हो, बट जब एक बार आप सीख जाओगे तो ध्यान रखो कि पेंसिल को लिफ्ट नहीं करोगे, राइट? सो यही फ़ायदा है हमारी कर्सिव हैंड राइटिंग का, कि हम बिना लिफ्ट किए हुए और बहुत ही फ्लुएंटली स्पीड में लिख सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही यूज़फुल होता है. आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है. तो ये हमारा स्मॉल यू कंप्लीट हो गया, राइट? आपने देखा, तो मैंने एक लाइन में लिखा है, अगेन आपको पूरा एक फुल पेज लिखना है, राइट? स्मॉल यू के बाद हम देखेंगे स्मॉल वी. ये भी कुछ इसी तरीके से होगा, फर्स्ट स्ट्रोक, बट सेकेंड वाला इंस्टेड ऑफ कर्व लेके आने के हम इस तरीके से लाइन लेके आएंगे, राइट? सेकेंड ये, और ऊपर आप देखिए ये, राइट? तो एक छोटा सा जो हम कर्व यहाँ ऊपर दे रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये सारे टेल्स जो हम बना रहे हैं ये लेटर्स को कनेक्ट करने के लिए, राइट? यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी कर्सिव हैंडराइटिंग की. फाइन, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन. ऊपर देन ये स्लैंटिंग लाइन आप लेके आएंगे, और इसी तरीके से स्लैंटिंग लाइन ऊपर लेके एक छोटा सा सर्कल, देन एक कर्व. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. वन, ओके, ये आपको नहीं दिख रहा है, लेट्स डू लाइक दिस, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, हो गया. ऑल राइट, यू हो गया, वी हो गया. नाउ नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल डब्ल्यू. ऑल राइट, स्मॉल डब्ल्यू. डब्ल्यू के लिए भी वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस लाइन. थर्ड लाइन से ऊपर जाएंगे. ये तो बहुत ही ईजी है, हमने ऑलरेडी यू सीख लिया, तो यू से बहुत सिमिलर है, राइट? राइज एंड फॉल वाले ये कर्व हम यूज़ कर रहे हैं. तो एक बार आपने नीचे किया, देन ऊपर किया, फिर से आप नीचे करेंगे और फिर से ऊपर करेंगे, फाइन? और एक बार और ला के यहाँ पर हमने टेल बना देनी है, जस्ट लाइक यू में हमने करी थी, सेम वैसे ही. लेट्स डू इट वंस अगैन. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. All right, easy है, correct? 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. All right, so we are done with W also. मैंने बहुत fast किया, आपको इतना fast नहीं जाना है. ओके, आपको हर एक लेटर को हर एक पेज में करना है, फाइन? सो ऑलरेडी हमने यू वी डब्ल्यू भी देख लिया. ओके, सो देयर इज़ वन मोर लेटर एक्चुअली, वो मैं आपको दिखाती हूँ. दैट इज़ हमारा वाई. तो जैसे हमने यू बनाया है, राइट?
तो इसी के ऊपर मैं दिखाती हूँ, जैसे हमने यू बनाया है तो वैसे ही हम यू बनाएंगे, राइट। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे और एक लूप बनाते हुए टेल बनाएंगे। इंटरेस्टिंग, राइट। यू आपने पहले ही सीख लिया और वाई भी सीख लिया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ऊपर, देन यू के लिए जैसे आप ऊपर जाते हो, अब यहाँ से इंस्टेड ऑफ यहाँ से लेके टेल बनाने के, हम सीधे लेके आएंगे और एक कर्व बनाते हुए एक लूप हमने बनाया अलॉन्ग विद टेल। टेल आपको पता है किस लिए? लेटर को कनेक्ट करने के लिए, राइट। सो इस वाई को भी आप पूरे एक पेज पे ट्राई करोगे। चलो मैं आपके साथ एक बार और ट्राई करती हूँ। ओके, वन टू, ऊपर गए, अब की बार हमें नीचे लेके आना है एक लूप के साथ। फाइन, अगेन ऊपर, नीचे और लूप के साथ। फाइन। सो आप वीडियो को पॉज करते जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। फाइन, ऑल राइट। तो ये हमारा वाई भी हो गया। ओके, सो हमारे ये सारे लेटर्स हो गए। ऑल राइट, I hope you like the video. Thanks for watching. Nothing is impossible, nothing is easy. So keep trying. Practice, practice, practice. Thank you. Bye-bye.